नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो रीसेलर्स के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, उनके अकाउंट से पैसे काटे जा रहे हैं। मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इस चीज़ के ऊपर। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक रीसेलर के अकाउंट से 10,000 रुपये एक ने कस्टमर बन के कि हाँ मैं कस्टमर हूँ, और उसने प्रोडक्ट देके, प्रोडक्ट देखने के बाद गूगल पे से का जो स्कैन कोड होता है, जो बार कोड बोलते हैं जिसे, वो मंगाया, और उससे पेमेंट लेने के चक्कर में जो रीसेलर था उसके अकाउंट से 10,000 रुपये कस्टमर बन के एक फ्रॉड ने निकाल लिए। मतलब रीसेलर्स के साथ बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। जब मैंने यह वीडियो डाली तो मेरे को इतने सारे कमेंट आने लगे, लोग बोल रहे कि रोहित भाई ऐसा हमारे साथ भी हुआ। कुछ लोग बोल रहे कि हमें भी ऐसा बोला गया था कि QR कोड दीजिए और हम पेमेंट कर देंगे। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे इशू आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अकाउंट से पैसे भी काटे गए हैं। लेकिन इन चीज़ों को कैसे रोका जाए, कैसे रीसेलर अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, उसकी बात इस वीडियो में आज करने वाले हैं। जो पहले इशू हुए हैं वो कैसे हुए हैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्या आपकी गलतियां रही हैं जिससे आप उन गलतियों को दोबारा ना दोहराओ, या जो हो सकता है उससे बच सको। तो हुआ क्या है कि जैसे कि कुछ कस्टमर बन के आपसे बात करते हैं कि हमें आपसे प्रोडक्ट चाहिए और आपसे होलसेल में हम लेना चाहते हैं, इकट्ठा माल लेना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर दे दो। तो आप लोग क्या करते हो, आप सोचते हो कि यार ये तो अच्छा है, इकट्ठा माल बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आप उन्हें व्हाट्सएप नंबर दे देते हो। फिर वो आके आपसे व्हाट्सएप पर चैट करने लगते हैं, व्हाट्सएप पे आपसे बात करते हैं, आपसे बोलते हैं आप प्रोडक्ट भेजो हमें। तो आप लोग प्रोडक्ट के फ़ोटो, जो मीशो शॉप 101 ग्लो रोड पॉपुलर वगैरह के फ़ोटो हैं, उनको उन्हें शेयर कर देते हो। जब आप शेयर कर देते हो तो शेयर करने के बाद वो कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट 10,000 का या आप 5,000 का या 6,000 का, वो टोटल माल बता देते हैं कि ये टोटल आपको हमारे यहाँ पे भेजना है, हम पेमेंट आपको एडवांस में कर देते हैं। वो पहले ही से कहते हैं कि हम पेमेंट आपको एडवांस में कर देते हैं। तो वो क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे कि आप जो गूगल पे है उसका QR कोड दे दीजिए। तो आप क्या करोगे, गूगल पे में जाओगे, वहां से QR कोड लोगे, डाउनलोड करके उन्हें सेंड कर दोगे। वो क्या करेंगे, ₹1 आपको भेजेंगे। तो ₹1 जब आपको भेजेंगे और बोलेंगे ₹1 भेजने के बाद कि बताओ ₹1 आ गए, आप बोलोगे हाँ, तो वो बोलेंगे कि अब बाकी के पैसे हम भेज रहे हैं, 5,000 या 10,000 जितने का भी माल है उतने पैसे आपको भेज रहे हैं। तो जैसे ही वो बोलेगा कि हाँ भेज रहे हैं, आप कहोगे ओके, तो वो बोलेगा आप एक्सेप्ट कर लेना, हम रिक्वेस्ट डालेंगे, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना जिससे आपको पेमेंट आ जाए। तो वो क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट डाल देते हैं। पहली बार पेमेंट QR कोड से हो जाता है तो उनके में आपका नंबर भी शो होने लगता है, जो फ्रॉड आदमी है, जो कस्टमर बन के बात कर रहा है। उसके बाद वो क्या करता है, आपके पास 6,000 की या 10,000 की जितने का भी माल है उतने की रिक्वेस्ट भेज देता है पेमेंट लेने के लिए। आपको ये लगता है कि ये पेमेंट देने के लिए रिक्वेस्ट है, आप क्या करते हो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो और आपके अकाउंट से 10,000 रुपये या जितने भी रुपये की रिक्वेस्ट होती है उतने पैसे कट जाते हैं। बाद में आपको पता चलता है यार ये रिक्वेस्ट तो पे करने की थी, ना कि रिसीव की थी। रिसीव की कोई रिक्वेस्ट ही नहीं होती, केवल पेमेंट कोई किसी को देना है और उसने रिक्वेस्ट दी है उसे एक्सेप्ट करते हैं, कभी आपको पैसा रिसीव हो रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की, पेमेंट तो अपने आप आ जाता है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कस्टमर का दिमाग वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है जहाँ पे ₹1 उसे मिलता है, वो ₹1 भेजते हैं और बोलते हैं बताओ ₹1 आ गए, अकाउंट सही है। तो आपको लगता है कि यार उसने भेजा है, तो वहाँ पे आपको लगता है कि द्वारा भी बाकी का पेमेंट आ जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। द्वारा आपका दिमाग काम नहीं करता क्योंकि एक बार उसने भरोसा जीत लिया, ₹1 जीत दे के आपको, आप तुरंत एक्सेप्ट कर देते हो, एक्सेप्ट के बाद आपके अकाउंट से पैसा उड़ जाता है, मतलब उसके खाते में पहुँच जाता है। अरे रुकिए, एक मिनट रुकिए, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जो बगल में घंटी सी दिख रही है उसको दबा दें, और सभी रीसेलिंग एप्लीकेशन, जो टॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन है, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और 101 जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो मेरा रेफर कोड डाल सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफर कोड दिया है और आपको ये स्क्रीन पर चलता हुआ भी दिख रहा है। रेफर कोड डालते ही आपको ₹200 आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी डालिए और इस चीज़ का फ़ायदा आप जल्दी से जल्दी उठाइए। अब भाई आप कैसे सिक्योर हो सकते हैं इन चीज़ों से, तो मोस्टली लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी बात कि आप किसी से भी बात करो, चाहे कस्टमर हो या फेसबुक के थ्रू कस्टमर आ रहा है कहीं से भी, आप व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो, लेकिन अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर या पर्सनल कॉलिंग नंबर किसी को मत दो। आप नॉर्मल बात करो, उनको नंबर दो, उनसे बोलो हाँ भाई ये डील करो, कोई इशू नहीं है। पर
ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हो तो कभी ना तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है ना कुछ और करना, आप गूगल पे से ले रहे हो, फोन पे से ले रहे हो या यूपीआई से ले रहे हो, तो आपको उनको यूपीआई आईडी दे देनी है बस, या गूगल पे से ले रहे हो तो गूगल पे नंबर देना है और बोल देना अकाउंट में डाल दो पैसा आ जाएगा तो हम आपका ऑर्डर लगा देंगे। लेकिन आप लोगों को इतनी इंटरनेट या टेक्नोलॉजी, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह की नॉलेज नहीं है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप उनसे बोलिए कि सीओडी अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन पेमेंट मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन पेमेंट, आप सीओडी पे ख़रीद सकती हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट की नौबत मत आने दीजिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का प्रश्न आएगा कि रोहित भाई यार एक बात बताओ कि हमारे अकाउंट से सीओडी का ऑप्शन हट गया है, कैश ऑन डिलीवरी आ ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, क्योंकि भाई जब सीओडी नहीं आएगा तो कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट लेना हमारी एक मजबूरी बन जाएगा, तो कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट लेना मजबूरी है उस टाइम पे अगर सीओडी नहीं है। लेकिन मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया भी था कि अगर सीओडी हट जाए तो सीओडी वापस कैसे ले सकते हैं, अब थोड़ा सा उसे रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इस छोटी सी बात के लिए आप पुरानी वीडियो तो देखोगे नहीं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अगर आपके किसी भी एप्लीकेशन से सीओडी हट जाती है, पहली चीज़ आपको तीन एप्लीकेशन यूज करने हैं, मीशो, Shop 101 और ग्लोरोड, तीनों यूज करने हैं, तीनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं, और अलग अलग एप्लीकेशन से आपको सेल करनी है, कभी एक से सेल नहीं करनी। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर मीशो में से सीओडी हट गई तो एक नंबर से ही तो हटी है, उस अकाउंट को डिलीट कर दीजिए और अनइंस्टॉल कर दीजिए एप्लीकेशन को, और नए मोबाइल नंबर से दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए मीशो में और सीओडी आ जाएगी, नए नंबर से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे करके आपकी सीओडी वापस आ जाएगी। ऐसे ही आप अलग अलग अकाउंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बोलोगे कि बैंक अकाउंट एक ही रख सकते हैं, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरा एक अकाउंट ब्लॉक हुआ था मीशो पर, तो मैंने क्या किया कि नया अकाउंट बनाया और उसमें अपना वही जो पहला वाला बैंक अकाउंट था पहले वाले अकाउंट में था वो दूसरे में भी डाल दिया, आराम से पेमेंट आ रहा है, कोई इशू नहीं है, 5-6 महीने से आ रहा है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर किसी से पेमेंट लेना है तो रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करनी, आप अकाउंट नंबर दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो जब तक आप किसी को अपने अकाउंट से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, आपके चाहे गूगल पे की हो चाहे कोई ओटीपी आ रहा है, अगर आप ओटीपी नहीं बताते या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका अकाउंट सिक्योर है, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन आप अगर ऐसी गलती करते हो कि अपना अकाउंट डिटेल बता रहे हो उसके बाद ओटीपी वो पूछ रहा है कि ओटीपी बताओ, तो ओटीपी भी आप बता रहे हो तो आपके अकाउंट का मिसयूज हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का तो आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब आपको कुछ बातें बताऊं कि जब मैंने वो वीडियो बनाई, ये थोड़ा नीचे गिर रहा है तो ऊपर उठा लूं, जो मैंने वो वीडियो बनाई थी कि इन्होंने ऐसे फ्रॉड किया, तो उनके तीन व्हाट्सएप नंबर मिले, तीनों व्हाट्सएप नंबर मेरे पे हैं, कॉल भी हो रहा है। मैं आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना क्या मैं उनके नंबर्स को पब्लिकली शो करूं, क्योंकि आप लोग भी देख सकें उन नंबर को, आप उनसे बात कर सकें, कॉल कर सकें कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, और आप चाहो तो मैं उन नंबर्स को पब्लिकली शो कर दूंगा, कोई मेरे को इशू नहीं है, क्योंकि भाई जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ़ हमारे पास सारे प्रूफ हैं, तो जो आप लोगों के साथ गलत कर रहा है वो मान के चलो हमारे ही साथ हो। मैं आपको बोलता हूँ कि रीसेलिंग करो जब भी तो आप रीसेलिंग कर रहे हो, और मोस्टली लोगों का बताऊँ कि मेरी वीडियोज देख देख के ही रीसेलिंग कर रहे हैं, और रीसेलिंग में जो भी आया है अब तक, जितने भी रीसेलिंग एप्लीकेशन है और जो भी इस फील्ड में आया है, मैं गारंटी देता हूँ उसने मेरी एक ना एक वीडियो ज़रूर देखी होगी, जो रीसेलिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं मेरी वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जिस चीज़ का सलाह दे रहा हूँ आपको कि आप ये काम करिए और उस चीज़ में आपके साथ कुछ गलत हो, तो उसके लिए मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। मेरा देखो व्हाट्सएप नंबर भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ, रिप्लाई थोड़ा लेट करता हूँ लेकिन रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कॉल पे बात मैं किसी से भी नहीं करता क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि कॉल पे मैं बात करूँ हर किसी से। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना क्या मेरे को ये नंबर पब्लिकली शो करने चाहिए, मुझे लगता है इसका फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी आपका सजेशन चाहिए कि यार ये चीज़ सही है या नहीं किसी की नंबर को पब्लिक करना, और आप बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो आप कर दोगे और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हाँ एक काम और करना, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो वो बेल आइकन को दबा देना। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बेल आइकन दबाने से क्या होगा, बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जैसे ही हमारी आगे वीडियो आएगी फ्यूचर में तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप वीडियो देख लोगे, वीडियो देख लोगे तो आप अपने
रीसेलिंग बिजनेस को और अच्छे से आगे तक बढ़ा सकती है। तो बस यही चीज़ मेरे को बतानी थी कि अपने अकाउंट्स को सिक्योर रखिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप सारे एप्लीकेशन यूज करिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम वगैरह, या अपनी ब्रांच का जो आपकी खुद की बैंक है उसका एक एप्लीकेशन होता है, आपको बताऊँ कि जो भी बैंक है, कैनरा बैंक है या SBI है या बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोई भी हो, उसका एक ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है जिससे मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, वहाँ से पेमेंट ले सकते हैं। UPI से पेमेंट लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में होती है, उसे सेफ रखिए। अपनी पर्सनल डिटेल और अपनी बिजनेस डिटेल दोनों को अलग रखिए, अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर अलग रखिए, अपना बिजनेस व्हाट्सएप नंबर अलग बना के रखिए। व्हाट्सएप बिजनेस आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी पाने के लिए।